दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे पर एक नया अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑनलाइन पैसा लेन देन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे पर नया अकाउंट बना सकते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करना, फ़ोन पे पर नया अकाउंट बनाना, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं फ़ोन पे पर नया अकाउंट बनाना, तो दोस्तों नया अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि फ़ोन पे पर अगर आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको यहाँ पर फ़ोन पे का अकाउंट बनाते टाइम पर यूज़ करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है वो नंबर से आप बनाएंगे, उस पर बैलेंस होना भी ज़रूरी है, रिचार्ज होना भी ज़रूरी है, ताकि उसमें मैसेजेस आ सके। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फ़ोन पे की वो एप्लीकेशन। आपको फ़ोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। जैसे ही आप फ़ोन पे ऐप को ओपन करोगे, इस तरीके से यहाँ पर ये पेज निकल कर आता है। यहाँ पर आपसे 10 अंकों का आपका वो नंबर मांगा जा रहा है जो कि बैंक में आपने ऐड कर रखा होगा, जो बैंक में है। तो यहाँ पर आप अपना 10 अंकों का वो नंबर डाल दीजिए जो कि बैंक अकाउंट में ऐड है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपना 10 अंकों का वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो बैंक आप ऐड करना चाहते हैं, उस बैंक में वो नंबर लगा हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसीड लिखा है, तो आपको ये प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपके नंबर पर OTP आएगा। तो जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है उस नंबर पर OTP आएगा, जो कि अभी पहले हमने डाला। तो वो OTP आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। देखिए यहाँ पर जो OTP है, जैसे ही आप OTP डालेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे इस तरीके से आएगा, देखिए वाइल यूजिंग दिस ऐप, इस तरीके से कर देंगे। अलाउ पूछेगा तो आपको अलाउ कर देना है। देखिए अलाउ करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से अलाउ करने बोल रहा है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर अपना जो नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा। OTP को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बैंक ऐड करने के लिए पूछने लगता है। मान लीजिए आपके केस में इस तरीके से शुरू में ही बैंक ऐड करने का नहीं आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, जैसा कि आप देखेंगे अभी इस तरीके का कुछ आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपना बैंक ऐड करने के लिए, आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट लिखा है उस पर टच करोगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे, देखिए वही पेज पर आ गए जो शुरू में आया था। तो अब आपका जो भी बैंक हो वो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो आप। जो मेन जो होते हैं वो यहाँ पर हाईलाइट होकर लिखे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इस तरीके से दिया है। और आप यहाँ पर देखिए एक लंबी लिस्ट है, जो भी आपका बैंक हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना जो है ये देखिए इस तरीके से आ गया है, अपना बैंक सर्च करके भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से फाइंड करेगा आपका, देखिए अकाउंट इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेट पिन, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेट पिन। अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सेट पिन पर इस तरीके से टच करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेट पिन पर टच करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका जो ATM कार्ड होता है, ATM कार्ड का जो 16 अंक होता है, 16 अंक के लास्ट के 6 डिजिट आपको यहाँ पर डाल देने हैं। देखिए यहाँ पर मैं लास्ट के 6 डिजिट डाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आपको आपके ATM कार्ड के पीछे के जो 16 अंक लिखे होते हैं उसमें से लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर आपको डाल देने हैं।
इसके बाद वैलिड कब तक है वो भी यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप अपने जो एटीएम कार्ड है उसका नंबर डाल देंगे, लास्ट के 6 डिजिट, वैलिड कब तक है वो डालेंगे और इसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अलाउ करने बोलेगा, अलाउ कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगी, ये देखिए ओटीपी आएगी और यहाँ पर ये इस तरीके से आप ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर ये आगे करेंगे इसको इस तरीके से प्रोसेस। तो इस तरीके से आपका जो एटीएम कार्ड होगा, जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं और जो आपने एटीएम नंबर डाला है उसका जो 4 अंकों का जो पिन होता है, एटीएम का पिन जो आप पैसे निकालते समय यूज़ करते हैं, वो पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना एटीएम का पिन डाल दिया है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना, देख सकते हो ये इस तरीके से करोगे सेट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर देखिए आप जो भी पिन अपना बनाना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। देखिए तो देखिए यहाँ पर सेट 4 डिजिट पिन, 4 अंकों का या फिर 6 अंकों का यहाँ पर आपको पिन बनाने का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे बैंक में 4 अंकों का दे रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएगा कन्फर्म पिन, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने कन्फर्म कर दिया है और इस तरीके से आपको कर देना है। इसके बाद देखिए यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट, इस तरीके से मैसेज आएगा यहाँ पर। जो आपका यूपीआई पिन है, जब भी आप लेन देन करेंगे तो वो आपको यूपीआई पिन डालना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। आप दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी चीज़ का लेन देन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ भेजना है किसी को, तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड है, इस तरीके से आप जाएंगे, इस पर अलाउ करेंगे, कोई भी शॉप में अगर क्यूआर कोड लगा होगा इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप पे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को पैसे भेजने चाहते हैं उसके मोबाइल नंबर पर, तो मोबाइल नंबर पर भेजना है तो यहाँ से आप इसका नंबर इधर से डालकर, या फिर आपकी लिस्ट में है तो वो नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड किसी का स्कैन करना चाहते हैं तो ऊपर ही आपको यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करने का मिल जाता है, देख सकते हो ये डायरेक्ट क्यूआर कोड है, वो स्कैन करके भी आप पैसे पे कर सकते हो। पे करते टाइम आपने जो यूपीआई पिन बनाया है 4 अंकों का, 6 अंकों का, जो भी आपके बैंक का हो, जैसा अभी बनाया हमने, तो वो आपको यूपीआई पिन देना होगा, डालना होगा, तभी आपकी जो पेमेंट है वो हो पाएगी। अगर आप रिचार्ज वगैरह करना चाहें तो रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपना फ़ोन पे का एक नया अकाउंट बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।